हेलो मायसेल्फ वर्षा चावला ए मेकअप आर्टिस्ट। आज मैं आपसे मेकअप की कुछ बारीकियों के बारे में बात करूंगी कि मेकअप करते हुए आप लोग क्या गलतियां करते हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वक्त गर्मी का मौसम है, अगर आप गर्मी में कहीं जाते हैं तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो मेकअप करने से जस्ट पहले या आधा घंटा पहले फेस पे आइसिंग करना शुरू करते हैं ताकि उनका मेकअप टिका रहे। नो फ्रेंड्स, इट्स ए ब्लंडर। आपको मेकअप से पहले कभी भी फेस पर आइसिंग नहीं करनी है। क्या होता है, जब आप आइसिंग करते हैं आपके पोर्स टाइट हो जाते हैं, आपकी स्किन टाइट हो जाती है, आप मेकअप करते हैं आपको अच्छा लगता है, इट्स ओके। लेकिन जब आधे घंटे बाद आप नॉर्मल टेम्परेचर में जाते हैं या थोड़ी सी भी हीट में से निकलते हैं तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और आपका मेकअप क्रैक हो जाता है। दूसरी चीज जो आप करते हैं गलती वो ये है, बहुत ज्यादा एसी के नीचे, कूलिंग के नीचे के हाँ कमरे को एकदम चिल्ड करके आपने मेकअप किया और आप फिर बाहर निकले और आपका मेकअप क्रैक हो गया। नहीं, आप नॉर्मल टेम्परेचर में अपना मेकअप करिए ताकि आपको स्वेटिंग भी हो तो आप उसको लूज पाउडर से कवर करिए और आराम से मेकअप करके बाहर जाइए। तीसरी चीज, हम क्या गलती करते हैं मेकअप करने से पहले, जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है वो ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से अपना चेहरा क्लीन करते हैं, अच्छे से लगे रहते हैं 2-3 मिनट कि सारा ऑयल निकल जाए और आपके आपके फेस पे ऑयलीनेस ना दिखाई दे। नहीं फ्रेंड्स, मेकअप करने से पहले कभी भी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से आपको फेस वॉश नहीं करना है, क्योंकि मेकअप को टिकाने के लिए भी फेस पे नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर चाहे ड्राई स्किन है, चाहे नॉर्मल स्किन है, चाहे ऑयली स्किन है, आपको एक अच्छा सा क्लींजर यूज करना है या क्लींजिंग मिल्क यूज करना है मेकअप से पहले। और मेकअप के बाद ऑयली स्किन वाले लोग क्या करते हैं, फेस में मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, ये भी एक गलती है। मैंने अभी बताया कि मेकअप को टिकाने के लिए आपको नमी चाहिए ही चाहिए फेस पे। तो आपको क्या करना है, फेस वॉश फेस क्लींजर के बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। जिनकी ऑयली स्किन है उनको बहुत कम क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर लगाना है और जिनकी ड्राई स्किन है उनको डबल कोटेड मॉइस्चराइजर लगाना है। ओके फ्रेंड्स, मॉइस्चराइजर लगाने से आपके फेस पे एक बेस बन जाता है और आपका मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है। अब बात आती है प्राइमर की। ड्राई स्किन वाले लोगों को क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज करने चाहिए और ऑयली स्किन वाले लोगों को जेल बेस्ड प्राइमर यूज करने चाहिए। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो इट्स ओके, आप मॉइस्चराइजर से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद आप अपनी फेस के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग आप अपनी फाउंडेशन चुनिए और लगाइए। आपको कैसी फाउंडेशन चुननी चाहिए और किस किस तरह का मेकअप इस टाइम पे चल रहा है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारी आंखों की, हमारी फेस का सबसे खूबसूरत हिस्सा। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में अगर आप लोग लाइनर चूज करते हैं तो आपको क्विक ड्राई वाले लाइनर लेने चाहिए या फिर पील ऑफ वाले लाइनर लेने चाहिए। लिक्विड लाइनर आप लगाएंगे, आंखें खोलेंगे, इतनी देर में वो फैल जाएगा। तो क्विक ड्राई लाइनर भी आते हैं स्पेशली, तो आप वो वाले लाइनर यूज करिए। एक तो वो जल्दी सूखेंगे और स्मज भी नहीं होंगे। और काजल, जब आप लोग आंखों में नीचे काजल फिल करते हैं तो उसके बाद ब्लैक कलर की आई शेडो या ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर की आई शेडो से आप ब्रश से काजल को बाहर की तरफ से लॉक करेंगे, उसको फिल करेंगे। उससे आपका काजल कभी भी स्मज नहीं होगा। और मस्कारा अगर आप डबल कोट लगाते हैं कि एक बार लगा के 5 मिनट बाद फिर उसको रिपीट करेंगे तो आपको आई लैशेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, एक स्पेशल बात, आप अपना लाइनर, मस्कारा और काजल कभी भी किसी से शेयर मत करिए, इससे आंखों में फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। आपकी चीजें हैं ये, आप अपनी पर्सनल यूज करें। उसके बाद आती है लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक भी आप गर्मियों में डबल कोट लगाइए। अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं तो आपके लिप्स फटे हुए नहीं होने चाहिए। क्रैक लिप्स पे कभी भी लिक्विड लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती है, उस पर थोड़ा सा आप फ्रॉस्टेड लिपस्टिक लगाइए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा मेकअप कौन से सीजन में और कैसी स्किन पर यूज करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।